नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पी वी इलेक्ट्रोटेक में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज का जो वीडियो का टॉपिक है जो कि ये जो माइक्रो रिले 5 पॉइंट का, तो इसके ऊपर है। तो इसका आपको पहले पिन आउट बताऊंगा कौन सा पिन क्या काम करता है, फिर बाद में आपको जो है कनेक्शन करके बताऊंगा। तो वीडियो आपको आखिर तक देखनी, तभी आप समझ पाओगे। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो देखिए, अभी यहाँ पे एक इसकी जो सर्किट डायग्राम है वो मैंने ड्रॉ करके रखी इस रिले की। तो अभी देखिए, इसका मैं आपको पहले पिन आउट बताता हूँ कौन सा 85 है, कौन सा 86 है। ओके दोस्तों, तो देखिए जो पॉइंट देख रहे हैं आप यहाँ पे, देखिए अभी ये जो पिन है ये वाली, ये आपकी 85 है और ये जो 86 है, और जो बीच वाली पिन है आपकी जो कि 87A है। ओके दोस्तों, 87A बीच वाली, और ये जो फर्स्ट वाली 85 है, और जो थर्ड वाली 86 है, और जो बीच वाली 87A, और जो दो बॉडी पिन है जो कि ये जो पिन देख रहे हैं आप ये 30 है, और ये आपकी जो है ये जो बॉडी वाली पिन है बीच वाली, तो देखिए ये 87 है। इसलिए मैं आपको बताता हूँ जो कि इसके अंदर अभी देखिए जो 86 एंड 85 आपकी कॉइल की पिन है। ओके दोस्तों, तो जो मैंने आपको बताया जो छोटी वाली पिन 85 और 86 आपकी कॉइल की, मतलब एक के ऊपर आपकी ग्राउंड रहेगी और एक के ऊपर पॉजिटिव रहेगी। ओके दोस्तों, तो देखिए अभी जो अगली पिन देख रहे हैं आप 30, जो कॉमन है, ये वाला जो पॉइंट है आपका ये कॉमन है, मतलब यहाँ पे जो सप्लाई रहेगा ये आपका जब भी रिले के कॉइल के ऊपर सप्लाई देंगे तो ये आपका 87 के साथ मिल जाएगा। देखिए अभी इसके ऊपर मैं आपको समझाता हूँ। देखिए या फिर देखिए 30 अपना कॉमन है, अभी जो है 87A के साथ जुड़ा हुआ है जो कि NC पॉइंट है। NC पॉइंट मतलब नॉर्मली क्लोज्ड, मतलब अभी जो 30 के ऊपर जो सप्लाई है वो 87A जो पिन है उससे आउटपुट देगा, मतलब 30 पे जो सप्लाई हो 87A से निकलेगा। अभी जैसे हम जो है 85 के ऊपर ग्राउंड, 86 के ऊपर जैसे ही पॉजिटिव का सप्लाई देंगे, देखिए आप 86 के ऊपर जैसे पॉजिटिव का सप्लाई देंगे तो कॉइल के अंदर क्या आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स बनेगा, तो ये आपकी जो 87A के साथ जो कनेक्ट पॉइंट वो उसको अपने तरफ खींच लेगा, मतलब 87 के ऊपर खींच लेगा। जैसे कॉइल के ऊपर आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स बनेगा, वैसे आपका कॉइल क्या करेगी जो ये जो पॉइंट है आपका 87 के और खींच लेगा, मतलब ये जो है आपका 87 के साथ मिल जाएगा, मतलब जो 30 पे सप्लाई रहेगा आपका 87 से निकलना चालू हो जाएगा। जैसे 86 के ऊपर आप पॉजिटिव देंगे और 85 के ऊपर आपकी ग्राउंड रहेगी तभी, और जैसे यहाँ पे पॉजिटिव आएगा तो जो 30 पे सप्लाई आपका 87 से निकलेगा। ओके दोस्तों, मतलब यहाँ पे जो सप्लाई रहेगा 30 के ऊपर आपका 87 से निकलेगा, और रिले के जो पॉजिटिव सप्लाई फटा देंगे रिले के कॉइल के ऊपर से, तो आपका जो है फिर से जो आपका क्या करेगा रिले एनसी पोजीशन पे आ जाएगा, मतलब नॉर्मली क्लोज रहेगा, मतलब आपका जो फिर से 87A से सप्लाई निकलना चालू कर देगा जो 30 पे हुआ वो, और जैसे 86 पे पॉजिटिव आएगी तो जो 30 के ऊपर सप्लाई रहेगा 87 जो पॉइंट है आपका, देखिए आप NO मैंने लिख के रखा है जो कि नॉर्मली ओपन, मतलब 87 आपका नॉर्मली ओपन है, जब भी सप्लाई आएगा कॉइल के ऊपर तभी ये जो पॉइंट है आपका आउटपुट देगा जो 30 पे जो सप्लाई हो 87 से निकलेगा, और जैसे ही कॉइल पे से सप्लाई हट जाएगा तो फिर से जो आपका रिले के आपका NC हो जाएगा, मतलब फिर से जो 87A से जो 30 पे सप्लाई वो 87A से निकालेगा। ओके दोस्तों, तो चलिए अभी मैं आपको इसका प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ जो कि इसका कनेक्शन करके दिखाता हूँ दोस्तों। तो दोस्तों अभी देखिए मैं आपको इसको कनेक्शन करके बताता हूँ। तो इसके ऊपर मैंने जो है वायर कनेक्ट कर लिया है ताकि जो कनेक्शन करने में आसानी रहे, जो कि अभी देखिए ये जो पॉइंट है यहाँ पे देख सकते हैं आप, ये जो 85 पॉइंट है, तो इसके ऊपर आपको क्या करना है ग्राउंड देना है। तो यहाँ पे मैं भी इसको ग्राउंड देता हूँ। ग्राउंड देने के बाद जो है दो बल्ब है अपने पास, जो कि एक जो बल्ब पे हम NO के पॉइंट के साथ कनेक्ट करेंगे जो कि रिले से आउटपुट देगा, और एक दूसरा जो आउटपुट का पॉइंट NC का उसके साथ कनेक्ट करेंगे। तो इसका जो एक एक पॉइंट है मैं यहाँ पे अटैच कर लेता हूँ ग्राउंड के साथ, और जो दूसरा हम रिले से आउटपुट लेंगे। तो यहाँ पे देखिए मैंने इसको कनेक्ट कर लिया है। अभी देखिए ये जो पॉइंट है बल्ब का 21 वाट का, ये हम यहाँ पे कनेक्ट करेंगे जो कि रिले से अपना आउटपुट देगा, जो कि कौन सी पिन रहने वाली है अपनी दोस्तों 87। ओके दोस्तों, 87 पिन है जो कि आपकी ये वाली पिन है। ओके दोस्तों, तो इसके ऊपर हम
जो बल्ब का एक पॉइंट है वो कनेक्ट करते हैं, और जो दूसरा छोटा वाला बल्ब है वो जो कि एनसी पॉइंट है अपना। तो एनसी पॉइंट कौन सा है दोस्तों? ए वाला, बीच वाला। ओके दोस्तों, जो कि एनसी पॉइंट अपना 87A जो कि बीच वाला है, इसका भी जो बीच वाला जो छोटी पिन है ओ। ओके दोस्तों, तो इसके साथ मैं कनेक्ट करता हूँ यहाँ पे। तो अपना ये कनेक्शन हो चुका है। देखिए यहाँ पे मैंने क्या किया है, जो पहला पॉइंट है रिले का जो कि ग्राउंड कर दिया है, जो बीच वाला है आपका एनसी उसके साथ एक बल्ब का आउटपुट दे दिया है, ये जो बल्ब का सप्लाई है बल्ब देख रहे हैं इसको एक आउटपुट दे दिया है। और जो तीसरा पॉइंट है वो यहाँ पे हम जैसे ही सप्लाई देंगे जो कि पॉजिटिव का पॉइंट है, तो इसके ऊपर सप्लाई देने से अपना एनसी जो रिले वो एनओ पोजिशन पर आ जाएगा। और अभी कनेक्शन इसके अंदर अपने को ये जो देख रहे ये आपका एनओ का पॉइंट है, तो ये जो बड़ा वाला बल्ब इसके साथ मैंने एक आउटपुट इसको दे दिया है। अभी इसके रिले के अंदर अपना एक पॉइंट बचा है जो कि कॉमन है, तो कॉमन के ऊपर अपने को क्या करना है, मेन जो पॉजिटिव का सप्लाई वो देना है। अभी देखिए अपने पास ये जो ग्रीन वायर है पॉजिटिव के, तो इसको मैं अभी सप्लाई देता हूँ। तो देखिए अपना जो बल्ब है वो ग्लो कर गया है जो कि एनसी बल्ब है, क्योंकि यहाँ पे जो सप्लाई है अभी वो क्या है आपका एन सी पी, मतलब इस पॉइंट के ऊपर जा रहा है, जो कि देखिए अभी मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे ध्यान दीजिए, जो कि अभी कॉमन पे जो सप्लाई है 30 पे, अभी जो 87 एक के साथ कनेक्ट है आप देख सकते हैं। लेकिन जैसे रिले के 86 पॉइंट पे पॉजिटिव सप्लाई देंगे तो ये जो ये पॉइंट आपका 87 के साथ मिल जाएगा। तो देखिए अभी ये जो पॉजिटिव सप्लाई ग्रीन वायर के अंदर, ये मैं ये जो पिन देख रहे रिले की छोटी वाली, तो इसके ऊपर देता हूँ। तो देखिए आपका जो रिले अभी एनओ पोजीशन पे आ चुका है, और अपना जो 21 वाट का बल्ब है बड़ा वाला वो ग्लो कर चुका है। जैसे ही हटाऊंगा सप्लाई फिर से आपका रिले एनसी आ जाएगा। ओके दोस्तों, अभी एनओ हो गया, अभी सप्लाई हटाया तो एनसी हो गया। तो ऐसे जो वर्क करता है आपका एनओ एनसी रिले 5 पिन माइक्रो रिले। ओके दोस्तों, देखिए आपका एनओ होने से जो है एनसी का सप्लाई हट जाता है, और एनसी के पोजिशन पर आते ही आपका जो एनओ का सप्लाई हट जाता है। अभी रिले के अंदर कॉइल होती है, आपको आवाज़ सुनाई दे रहा होगा। तो देखिए कॉइल के अंदर जैसे मैग्नेटिक फोर्स बनने से आपका जो एनओ पॉइंट के साथ एट भी जो पिन है 30 वो मिला दी, और जैसे ही हटाया तो आपका जो 30 नंबर पिन है वो एनसी पॉइंट के साथ मिला दी, मतलब एनसी पॉइंट अपना 87A है। ओके दोस्तों, और एनओ पॉइंट 87 है, तो ऐसे जो वर्क करता है। ओके दोस्तों, तो आशा करता हूँ आपको जो वीडियो समझ में आया होगा। वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक जरूर कर दे, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो कर ले, और बेल आइकन भी प्रेस कर ले ताकि जब भी मैं नए वीडियो डालूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो आज के वीडियो देखने के लिए थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।